क्या आप भी बनाना चाहते हैं दुबई की फेमस डेट्स एंड आलमंड चॉकलेट? हेलो एवरीवन, मैं पायल फिर से एक बार पायल स्पेशल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी चॉकलेट की रेसिपी, क्योंकि इसे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं खजूर और बादाम का। साथ ही वीडियो के आखिर में मैंने स्टैंड के लिए आपको 3 अलग अलग ऑप्शन भी दिए हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक स्मॉल पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी हल्का गर्म हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप आलमंड एंड जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही मिनट में हमारे आलमंड अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और अब हम लेंगे 250 ग्राम्स ऑफ खजूर। मैं यहाँ पर काली खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो लाल खजूर भी ले सकते हैं। अब हमें खजूर का सीड रिमूव करना है, इसके लिए हम टॉप से थोड़ा सा कट करेंगे और फिर इस तरीके से सेंटर में कट लगाकर इसका सीड रिमूव करेंगे। सीड वाले पोर्शन में हमारा रोस्ट किया हुआ आलमंड रखेंगे और इसे अच्छे से क्लोज कर देंगे। अब हमने जिस तरफ कट लगाया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टूथपिक इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे ही खजूर को तैयार कर लिया है और अब बारी है इन्हें चॉकलेट में रोल करने की। इसके लिए एक बाउल में हम लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट एंड 150 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट। आप चाहे तो सिर्फ मिल्क चॉकलेट या सिर्फ डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही चॉकलेट का इक्वल प्रपोर्शन भी रख सकते हैं। इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है और अब इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में डाल दूंगी। चॉकलेट को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है, इन्हें थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है तब तक हम कोई भी बाउल या कप लेके इस तरीके से राइस से फिल कर लेंगे। हम इसका स्टैंड बना रहे हैं, डोंट वरी, हम इस राइस को फिर से यूज कर पाएंगे। हमारी चॉकलेट भी मेल्ट होके तैयार है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, आप देख सकते हैं। अब हमारी खजूर कैंडी को चॉकलेट में अच्छे से रोल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं टूथपिक की वजह से ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। एक्सेस चॉकलेट को बाउल में ही फिर से गिरने देंगे और अब हमारे प्रिपेयर स्टैंड पे इसे रख देंगे। बाकी की कैंडीज को भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूंगी। दोस्तों अभी वेदर थोड़ा ठंडा है, इसीलिए मेरी कैंडीज बनाते हुए ही सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी स्टैंड वाली कैंडी कुछ ऐसी लग रही है। वैसे दोस्तों जब मैं स्टैंड में कैंडी बना रही थी तभी मेरी मम्मी ने मुझे ये थर्मोकोल की शीट वाला आइडिया दिया, जो मुझे काफी बेटर लगा, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। या इस तरीके से किसी भी प्लेट पे बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन इसका एक ही साइड इफेक्ट है कि आपका चॉकलेट का बैक पोर्शन कुछ इस तरीके से निकलेगा। और साथ ही दोस्तों जो ये आप लास्ट 2 चॉकलेट में देख रहे हैं वो डेजिग्नेटेड कोकोनट है, ये आइडिया भी मेरी मम्मी का ही था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।